हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पिकेटक में। दोस्तों क्या आप भी परेशान हैं? दोस्तों क्या आपके चैनल पर भी व्यूज़ नहीं आ रहे हैं? जी हाँ दोस्तों, क्या आप भी चाह रहे हो कि यार मेरा यूट्यूब चैनल को दोस्तों मेरी वीडियो सर्च में नहीं आ रही यूट्यूब चैनल की, या दोस्तों मेरी यूट्यूब चैनल की वीडियो को दोस्तों यूट्यूब रिकमेंड नहीं कर रहा है? दोस्तों वो क्यों नहीं कर रहा है, चलिए मैं आज आपको बताने वाला हूँ वो कैसे रिकमेंड करेगा। दोस्तों यूट्यूब कोई इंसान नहीं है, वो दोस्तों टोटली बेस्ड ऑन एल्गोरिथम। दोस्तों आपको सबसे पहले यूट्यूब का एल्गोरिथम समझना होगा। एल्गोरिथम दोस्तों सबसे पहले ये कहता है, बहुत छोटी सी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो ये है कि सबसे पहले दोस्तों आप अपने यूट्यूब पर कोई वीडियो अपलोड करते हो तो उसको कहीं भी शेयर मत कीजिए। क्या कहीं भी शेयर मत कीजिए? जी हाँ दोस्तों, आपको सुनने में थोड़ा अटपटा लग रहा होगा लेकिन ये बिल्कुल सच है। यदि आप लाइफ टाइम दोस्तों अपने यूट्यूब वीडियो को दोस्तों चाहते हो कि मेरा यूट्यूब दोस्तों मेरी वीडियो को रिकमेंड करे लाइफ टाइम, तो आप अपनी यूट्यूब वीडियो को बिल्कुल भी शेयर मत करिए। चलिए आज मैं आपको लाइव दिखाता हूँ कि यूट्यूब सर्च मेरी कितनी ज़्यादा है और दोस्तों सबसे ज़्यादा क्यों यूट्यूब मेरी वीडियो को रिकमेंड कर रहा है। चलिए मैं बताता हूँ सबसे पहले क्या करना है आपको। जैसे कि मैं आपको पहले दिखा देता हूँ, जैसे कि आप देख पा रहे हैं मैं अपने चैनल पर आ गया हूँ। दोस्तों आप यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा होगा कि सबसे ज़्यादा दोस्तों मेरा जो ट्रैफिक सोर्स है आप देख पा रहे हैं यूट्यूब सर्च। दोस्तों आप देख पा रहे हैं यूट्यूब सर्च, ठीक है ना, आप देख पा रहे हैं 78.4 है, ठीक है दोस्तों, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं 78.4 मेरा यूट्यूब सर्च है। दोस्तों ट्रैफिक सोर्स यूट्यूब सर्च में आप देख पा रहे हैं लाइफ टाइम के लिए 78.4 है दोस्तों, है ना। आप और दूसरी बात आप और देख सकते हो दोस्तों, ये आपका ट्रैफिक सोर्स रजिस्टर्ड वीडियो है 1.5%। आप और भी सारे के सारे दोस्तों ट्रैफिक सोर्स देख सकते हो। यहाँ पे आप ट्रैफिक सोर्स एक्सटर्नल देख पा रहे हैं 8.4 है। जी हाँ दोस्तों आप देख पा रहे होंगे, दोस्तों फिलहाल ये मेरा चैनल नया ही है इसलिए यहाँ पे इतना ज़्यादा ट्रैफिक नहीं है, लेकिन दोस्तों मैं नया नया इसको स्टार्ट किया हूँ तो आप देख पा रहे हैं कि काफ़ी तेज़ी से दोस्तों मेरे यूट्यूब वीडियोज़ को दोस्तों YouTube रिकमेंड कर रहा है और यहाँ तक YouTube सर्च में भी ला रहा है, है ना। चलिए अब आपको बताते हैं दोस्तों करना कैसे। दोस्तों सबसे पहले आपको वीडियो अपलोड करते ही वक्त ध्यान रखना। चलिए मैं आपको एक लाइव वीडियो दोस्तों अपलोड करके दिखाता हूँ वो कैसे करना है। चलिए मैं आपको बताता हूँ पहले दोस्तों क्या करना है। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे अपना एक वीडियो अपलोड कर रहा हूँ आप सभी के सामने। चलिए मैं अपना वीडियो सिलेक्ट कर लेता हूँ दोस्तों। मान लीजिए दोस्तों मुझे ये वीडियो अपनी क्या करनी है, अपलोड करनी है, ठीक है ना, मैंने उसको क्लिक कर दिया है। दोस्तों अपलोड करने के बाद आपको एक वेबसाइट पर जाना है अपना, यहां से जो भी है यहां से आप यहां से कॉपी कर लीजिए इसको, अपना आप टाइटल जो रखना है उसको कॉपी कर लीजिए और आपको एक वेबसाइट पर जाना है। यहां पर क्लिक करना है, आप यहां पर होगा टैग यूट्यूब वीडियोस, है ना दोस्तों, आपको यहां पर इस वेबसाइट पर जाना है। और आपको यहाँ पर दोस्तों YouTube पर नहीं रहना, आप देख पा रहे हैं ये कीवर्ड टूल है दोस्तों, आपको यहाँ YouTube पर नहीं जाना, आपको यहाँ पर किस पर क्लिक करना है, Google पे जाना है। Google पे क्लिक करना बगल में ही उसके, Google पे जाने पर आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे ऑल आ गया होगा दोस्तों, तो आपको यहाँ पे अपना URL क्या करना है, पेस्ट कर देना है। URL पेस्ट करने के बाद आपको यहाँ पे दोस्तों छोटा सा कोई मतलब पॉइंट चुनना होगा जिसके कारण क्या कर सके आपकी URL को सर्च कर पाए दोस्तों। आप देख पा रहे हैं दोस्तों आपके सामने इतने सारे कीवर्ड दोस्तों सुखने लगे हैं। दोस्तों कोई भी बंदा इन सारे कीवर्ड्स को लेकर, यदि कोई भी बंदा गूगल पर सर्च करता है कि हाउ टू चेंज यूट्यूब चैनल नेम, दोस्तों कुछ भी सर्च करता है, आप इतने सारे कीवर्ड यहाँ से ले रहे हैं, तो यदि इससे कोई भी कीवर्ड दोस्तों मैच खाता है तो आपकी वीडियो वहाँ सबसे पहले रिकमेंड करेगा गूगल। जी हाँ दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, यही मेन कारण है कि आपका यूट्यूब सर्च वीडियो सबसे ज़्यादा आती है, ठीक है ना। आप देख पा रहे हैं 129 मुझे यहाँ पे यूनिक कीवर्ड मिले हैं, आपको यहाँ से दोस्तों क्या करना है, कॉपी कर लेना है, ठीक है ना। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, अपने डिस्क्रिप्शन में इजीली वे में क्या करना दोस्तों, पेस्ट कर देना है, ठीक है ना। चलिए यहाँ पे आप चाहते हो कि यार मैं टैग डालूं, दोस्तों मैं कभी नहीं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप टैग डालिए पर्सनली वे में, अगर आप करना है तो यहाँ पे हैज टैग लगा के थोड़ा सा मतलब जो है कर सकते हो। जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिख सकते हो आप चेंज यूट्यूब चैनल ना दोस्तों,
अब आपको क्या करना है दोस्तों, कुछ नहीं करना है आपका, ये तो ऑलरेडी रहा होगा, नो इट्स नॉट फॉर किड्स, ये मेरे बच्चों के लिए नहीं है, ठीक है ना। यहाँ से चलिए मैं एक थंबनेल दोस्तों, अट्रैक्टिव थंबनेल होना चाहिए आपका, ताकि आपकी वीडियो का प्रेफरेंस जो हो, इंटरफेस काफ़ी अच्छा लगे देखने में, अट्रैक्टिव लगे लोगों को। मैं ले लेता हूँ यहाँ से, ये रहा, ठीक है ना। और मैं इसको क्या करता हूँ दोस्तों, नेक्स्ट कर देता हूँ। और नेक्स्ट करने के बाद यदि आप चाहते हो कि यार मैं अपने वीडियो के एंड स्क्रीन पर कुछ वीडियो को भी मतलब जो है रिकमेंड मैं देना चाहता हूँ, तो आप यहाँ पर नेक्स्ट मत करिए, आप अपलोड होने तक रुक जाइए। लेकिन यदि आप चाहते हो कि नहीं कोई बात नहीं, तो आप यहाँ से नेक्स्ट कर सकते हो दोस्तों। वैसे मैं ये सब करता नहीं हूँ, ठीक है ना। मैं यहाँ पर जो है ईजिली मैं पहले पब्लिक पर पब्लिश कर देता हूँ, यहाँ पे क्लोज दोस्तों। ये सारे ट्रिक करने के बाद दोस्तों 100% दोस्तों मैं आपको 100% बताता हूँ दोस्तों कि आपका जो चैनल है दोस्तों, जो चैनल की वीडियोस हैं, वो YouTube 100% रिकमेंड करेगा। और दोस्तों मैं आपको एक बात जरूर बताना चाहता हूँ, उसको शेयर मत करिएगा जो वीडियो अपलोड करते हो कहीं पर भी, ध्यान रखना इस बात का, ठीक है ना। और जो मैं बताया हूँ आपको कीवर्ड्स दोस्तों, गूगल से ही लेना, यूट्यूब से बिल्कुल भी मत लेना, क्योंकि यूट्यूब पर दोस्तों बहुत ज़्यादा ट्रैफिक आ चुका, बहुत ज़्यादा कीवर्ड्स हो चुके हैं दोस्तों। एक से कीवर्ड वो कुछ यूनिक कीवर्ड्स मांगता है और उसी पर वो काम करते हैं। लेकिन गूगल ऐसा है कि आप दोस्तों कोई भी कीवर्ड्स यदि उस पर डालते हो, तो वो 100% आपकी वीडियो को दोस्तों रिकमेंड कर देता है, ठीक है ना। मैं आशा करता हूँ कि दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों यदि वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल का आइकन जरूर प्रेस करिए, क्योंकि मैं इसी तरीके के छोटे छोटे टेक्निकल वीडियो दोस्तों आप सभी के सामने लाता रहता हूँ। थैंक यू सो मच।